मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये जुमला यूं पिछले विधानसभा चुनावों के वक्त खूब गूंजा था और इसके बाद सूबे की दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को मुंह की खानी भी पड़ी थी। अब कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर राजस्थान भाजपा में ही दिखाई दे रही है। दरअसल राजस्थान की सियासत में दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे अब खुद अपनी ही पार्टी में अनदेखी का शिकार हो रही है। ताजा मामले की बात करें तो नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन एक बार फिर वसुंधरा राजे की फोटो संकल्प पत्र से नदारद रही। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भाजपा में वसुंधरा का राज खत्म करने की कोई सोची समझी साजिश हो रही है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब वसुंधरा राजे की तस्वीर इस तरह बैनर पोस्टर से गायब है। पहले भाजपा के चुनावी कार्यालय से वसुंधरा राजे की फोटो गायब हुई और फिर अब बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट से ही राजे का विजन गायब हो गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई बल्कि वसुंधरा राजे को बिहार में स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। इसे लेकर सियासी गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर नहीं है। घोषणा पत्र में वसुंधरा राजे का फोटो न होने का मतलब ये है कि वो उनके विजन को नहीं मानती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता से क्या वादे किए हैं। प्रत्येक नगर निगम को आत्मनिर्भर, आधुनिक, कुशल भारत की संकल्पना के आधार पर रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोरोना काल में विद्यार्थियों की फीस माफ करने वाले स्कूलों से यूडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोरोना काल के 4 माह का बिजली का बिल माफ कराया जाएगा। प्रत्येक कॉलोनी में सड़क और वार्डों में सामुदायिक भवन पार्क को थीम के आधार पर विकसित किया जाएगा। जयपुर समारोह को फिर से शुरू किया जाएगा। नगरीय बस किराए में कमी कर ई बसों का संचालन केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा और महिलाओं को यात्रा में रियायत दी जाएगी। मोहल्ला विकास समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रामलीला और कृष्ण लीला एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिया जाएगा। बहरहाल सवाल कई है। इन सब बातों से तो यही लगता है कि भाजपा में अंदरखाने सब ठीक नहीं चल रहा है। लिहाजा अब बीजेपी सार्वजनिक तौर पर साफ कर देना चाहती है कि राजस्थान से वसुंधरा युव का अंत हो चुका है। लेकिन इसमें बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि अब भी कई विधायकों में राजे अच्छा खासा पेट रखती है। इसकी बानगी सियासी घमासान के वक्त में देखने को मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।